वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने 8 क्वेश्चंस को कवर किया था, तो चलिए पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सिखाते हैं। सर्कल पे बेस्ड हैं, एरिया के कितना परसेंट बढ़ाएँ तो कितना एरिया बढ़ जाए, इस हिसाब से हैं कुछ क्वेश्चंस। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 10% बढ़ा दिया जाता है, मान लेते हैं उसका एरिया है 100, इसका वृत्त की त्रिज्या एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है। आर कितनी बार है, R इंटू आर टू टाइम्स है, ठीक है, टू टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं पहले है एरिया 10, तो 100 कितना बढ़ जाएगा, 10% 110 बटे 100, ठीक है। या फिर R दो बार है तो टू टाइम्स आप यहां पे लिख सकते हैं 110 बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। पहले एरिया है, पहले ये एरिया है और ये बाद वाला है, ठीक है। तो बाद में कितना हो जाएगा, 11 और 11 का गुणनफल 121, ठीक है। तो 100 से बढ़ के कितना आ जाएगा, 121। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 21% की। ओवरऑल 21%, तो 100 पर जितना बढ़ता है वही परसेंट होता है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी, 21%। ओके, क्लियर। इसका एक सेकंड फार्मूला भी आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर एक्स स्क्वायर बाई 100। इसका मतलब है 10% की वृद्धि हो रही है, तो सॉरी ये फार्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है भैया। फिर यही पिछले क्वेश्चंस में हमने ऐसे इलाबरेट किया था लास्ट सेट में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे रेडियस सेम है, 2 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, क्लियर। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 1 आ जाएगा, तो फाइनली ये 21%, ठीक है। आप इस दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम मेथड से अप्लाई होगा। एक वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त के व्यास में अगर 20% की वृद्धि कर दें तो एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, चाहे त्रिज्या में बढ़ाएं या व्यास में बढ़ाएं या परिधि में बढ़ाते हैं, तीनों में ही बढ़ाएं तो एरिया का सेम ही फार्मूला यूज होगा, जो तरीका हमने सिखाया तीनों में एप्लीकेबल है। तो मान लेते हैं पहले 100 है, 20% बढ़ जाता है तो 100 का 120 बटे 100, एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर दो बार होता है, आप 120 बटे 100 लिख लीजिए दो बार, ठीक है। 100 कैंसिल कर दीजिए और ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 12 और 12 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 144, 144, ओके। पहले कितना था, 100 था, 100 पर कितना एक्स्ट्रा हुआ, 44, और 100 पर जितना ज़्यादा है वही क्या होता है, परसेंट। तो 44% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। आप चाहें तो उस सेकेंड वाले मेथड से भी लगा सकते हैं कि 2x प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 बाई 100, अभी जो तरीका आपको सिखाया, तो ये 40 प्लस 4, इससे भी कितना हो जाएगा, 40%, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसी वृत्त की परिधि में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।
तो यहाँ पे 100% बढ़ाया जा रहा है। तो मान लेते हैं पहले 100 है, तो ये 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 200%, 200/100, सॉरी पहले 100 है, 100 का कितना बढ़ाया गया है, 100%, तो 200/100 कितनी बार, 2 बार। कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, पहले था 100, 2 × 2 = 4, 400 हो गया, 100 पर कितना बढ़ाया गया, 300, तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, 300%। या फिर आप सेकेंड मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि का जो हमने आपको फार्मूला बताया वो भी एप्लीकेबल है, 100 + 100 + 100 × 100/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 100 + 100, 200 और 100 कितना, 300% वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, यहाँ से कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं, ओके नेक्स्ट। किसी वृत्त की परिधि को तिगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसकी परिधि को क्या किया जा रहा है, तिगुना। तो मान लेते हैं इसकी परिधि पहले थी 1, बाद में कितनी हो जा रही है, 100 मान लीजिए, पहले है 100, तो तिगुना होने पर तिगुना हो गई, उसकी परिधि में कितना परसेंट बढ़ाया गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, परिधि में अगर 200% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। वी कैन से अनदर वर्ड्स कि 100 था, 300 हो गया, कितना बढ़ा, 200, तिगुना करने पर। अगर 200% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला या तो अप्लाई कर दीजिए आप, भाई 200 + 200 + 200 × 200/100, ये परसेंटेज चेंज का है, ये 2x + x²/100 दोनों ही अप्लीकेबल है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 200 200, ये 400 आ जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4, ये 800% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन को आप उसी मेथड से कर सकते हो चाहो तो। जैसे मान लो 100 था, कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 200%, तो 100 का 200% अगर उसमें बढ़ाया जाएगा तो 300 हो जाएगा, 100 × 300/100, 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, तो ये 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पहले था 100, बाद में 3 × 9 900 हो जाता है, तो अब पहले एरिया था 100, अब हो जाता है 900, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि, 800% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दोनों से ही आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हमने प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि को 4 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 4 गुना किया जा रहा है, मान लेते हैं इसकी परिधि है पहले 100 और ये कितना हो जा रहा है, 4 गुना, 400 हो रहा है, तो परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, परिधि में प्रतिशत वृद्धि ये हो रही है यहाँ से 300, और 100 पर जितना बढ़े वही परसेंट है, तो 300% परिधि में वृद्धि किया जा रहा है, तो एरिया में कितनी वृद्धि हो जाएगी, परसेंटेज चेंज। कितना हो जाएगा, 300 + 300 + 300 × 300/100, सॉल्व कर लीजिए, 100 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 3 3, ये 600 हो जाएगा, 3 × 9 900, 9 6 1500,
परसेंटेज एरिया में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, एरिया में प्रतिशत वृद्धि 1500 प्लस परसेंटेज सॉरी। तो ये तरीका आपने सीखा, अगर यहाँ पे चार गुना कर रहा है तो 300% वृद्धि होगी, तीन गुना कर रहा है तो 200% होगी, अगर दोगुना कर दिया जाए तो 100% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल प्रतिशत में वृद्धि निकालने के बाद परसेंटेज चेंज फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक ये पांचवा क्वेश्चन है, तो टोटली 5 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको सारे वीडियोस हमारे देखने हैं और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोज बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें।